फोटो लेंगे नहीं दो ये जगहों पर खड़े होने की कृपा करें ताकि फ्लैग होस्टिंग यानी रस्म परचम कुशाई अदा की जा सके। तो राष्ट्र ध्वज आरोहण के लिए चेतक नामी घोड़े पर सवार नाइक परशुराम। संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, मगर खिताए पी रहे। हम शुक्रगुजार हैं हिंदुस्तानी फौज के उन जाबाज सिपाहियों के जिनकी बदौलत आज हम आजादी की खुली फिजाओं में सांस ले रहे हैं और जिन्होंने भारत राजौरी को भारत का अटूट अंग बना दिया। सलाम उन जवानों को जो खो गए और वतन को जगाकर जो खुद सो गए। भारतीय सेना ने अनगिनत कुर्बानियां देकर हमें ये दिन मनाने का सौभाग्य दिया है, तो आज के दिन हम उन तमाम शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन पर अकीदत के फूल निछावर करते हैं,
जिन्होंने भरी जवानी में जामे शहादत नौश फरमाया, वीर गति प्राप्त करके अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल भड़ाए जो आपस में अमन की एक अजान रखेंगे। काबा और काशी भी होगा पहले हिंदुस्तान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा पहले हिंदुस्तान रखेंगे। भारत की पहचान अनेकता में एकता, धर्मों के धर्म गुरु अपने अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना प्रेयर। हम सबसे पहले सुबेदार स्वासिनार्षार्षो अरिष्टनेमी स्वासिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रिकदस्वामरुतः प्रश्नमातरः शुभम यावानो विदथे कुजग्म्यः अग्निजिह्वा मानवः सूरचचसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रम काणे भी सुळयाम देवा भद्रम पच्छे माच भिर्यजत्राः स्थिरैरंगै तुष्टुवाम गं संस्तु देवहितं मदायुः। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله نور اپنا قدرت کی سب بندے ایک نور تے سب جگ اپجا کون بھلے کو مندے एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गिनी नाम मार्टियर्स बैलर्स। We highly honor and salute thee for thy supreme sacrifice and outstanding service for our nation. May the Almighty God bless thee and abide thee. The loving Lord make shine his face upon thee. Shriman. ब्रिगेडियर राहुल साहब और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से एसएसपी साहब, दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, विशेषकर विसाखी से मेरा जो देश का किसान है गंदम की कटाई शुरू हो जाती है। और इसी प्रकार 1699 के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की बुनियाद रखी। इसी तरह 1919 की बैसाखी के दिन जनरल डायर ने जले वाले बाग के अंदर अंधाधुंध फायरिंग करके हजारों देशभक्तों की हत्या की है। लेकिन रजौरी के अंदर एक अनोखी दास्तान जुड़ी है। मैं इस मौके के ऊपर उन वीरों को, उन देशभक्तों को श्रद्धांजलि भेंट करना चाहूंगा। ये दिन है कि हमारे मुल्क के इस झंडे को कायम रखने के लिए हमारे इस मुल्क के नौजवानों ने
अपनी जानों का नजराना पेश किया और उन्हीं लोगों को आज हम लोग यहाँ पर खिराज अकीदत पेश करने आए हैं। मैं आज इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी जनाब कमांडर साहब, एसएसपी साहिबा और हमारे राजौरी के चेयरमैन साहब और डीडीसी मेंबरान, सरपंच और पंच हजरात और राजौरी और अतराफ से आए हुए मुअज्जिज़ीन, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं अपनी एकता कमेटी की तरफ से। और 1947 और 48 में जिन जानबाजों ने इस मुल्क के इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था, उन सबको आज के इस तारीखी मौके पर हम लोग खिराज अकीदत पेश करते हैं। दुनिया में उसी का नाम बाकी रहता है कि जो मुल्क के लिए और लोगों के लिए काम करता है। आज 70 से ऊपर साल का पीरियड गुजर गया, लेकिन उन जानबाजों को जिन्होंने अपने मुल्क की सालमियत के लिए, अपने मुल्क के हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था, वो आज भी जिंदा हैं, आज भी दुनिया उनको याद करती है। वर्दी चीफ गेस्ट मैडम पुरी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। राजौरी दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं यहाँ आए हुए पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों तथा राजौरी की गयूर आवाम का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन, आज का दिन यहाँ हम यहाँ का राजौरी का लिब्रेशन डे, जो राजौरी को पाकिस्तानी इंट्रूडर से लिब्रेट करवाया गया, को हम राजौरी दिवस के रूप में मनाते हैं। राजौरी एवं निकटतम इलाकों की सुरक्षा में यहाँ की बहादुर जनता और भारतीय सेना का सराहनीय योगदान रहा है। इन वीरों ने अपने आज की परवाह ना करते हुए खुद को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। भारतीय सेना ने मिलिटेंसी के भयानक दौर में इस इलाके में अमन कायम रखने के लिए बहुत बलिदान दिए, जिसके कारण आज हम यहाँ खुशहाली देख पा रहे हैं और खुशी के दिन मना रहे हैं। हम तहे दिल से इन शहीदों का नतमस्तक होकर अभिवादन करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि इनकी कुर्बानियां कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अपने इलाके में शांति और अमन बनाए रखने के लिए जो भी कोशिश कर सकते होंगे करेंगे। कॉन्क्लेव एवं नेक्स्ट ऑफ इन कॉन्क्लेव में 11 अप्रैल को आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल में एक मैराथन का आयोजन किया गया। इन सभी कार्यक्रमों में राजौरी के नागरिकों ने, प्रशासन ने व सेना ने बढ़ चढ़ कर उत्साह के साथ हिस्सा लिया। आज सेना के अधिकारी, नगर के वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ प्रशासनिक व पुलिस के अधिकारीगण आज सुबह शहीद स्मारक पर पहुंचे और पुष्प चढ़ाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ हम सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। बंद करें।
Mama.
जन्मे में निक्की निक्की गल तो कल्दी पई आवे ना नोट कल तो सड़ी जन्मे में निक्की निक्की गल तो आखदी पई आ तैनू बंदा बन जा ससरी अकाल नी तां मेरे वल तो पिता देना हुंदा तैनू प्यार वैरी आवे मैं भी वाह वट दित्ता हुंदा विश रखे आवे पोर दी जान कट लपटोला जे हो बन के पूरी चर्चा है लड़ी दी टोर दी मेरे पीछे मेरे दिल गबरू तिन के संगीत कारनामे दिखाने की अनुमति लेते हुए जोरदार तालियों से इनका हौसला अफजाई करें। अभी आर्मी डॉग्स व उनके ट्रेनर्स आपके सामने बेसिक ओबीडियंस का नमूना पेश करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा धूप के कारण आर्मी डॉग्स लेट नहीं पा रहे हैं। ये पूरा समतल अरे उठ, सभी आर्मी डॉग्स अपने अपने स्थान पर और ये पीछे बुलाने का इशारा करते हुए आर्मी डॉग हैंडलर्स तीन आर्मी डॉग्स बैंड की मुद्रा में और आर्मी डॉग के बीच में आपका अभिवादन करते हुए ये लीजिए। सभी बाधाओं को पार करते हुए और
पीछे आर्मी डॉग डिबली। लगता है ज्यादा ही जल्दी है डिबली को, और आर्मी डॉग डिबली सभी बाधाओं को आसानी से पार करते हुए और किस प्रकार से मैदान में लगी बाधाओं को किस प्रकार बहादुरी से पार करते हुए सभी आर्मी डॉग, जिसे आर्मी डॉग केंट ढूंढकर बताएगी कि किस आर्टिकल के अंदर एक्सप्लोजिव छुपाया गया है। आर्मी डॉग केंट बैठकर बताएगी कि किस आर्टिकल के अंदर एक्सप्लोजिव है। और ये क्या, यार आर्मी डॉग ने अपने डॉग को अटैक का कमांड दिया और कमांड मिलते ही आर्मी डॉग जंबो ने बिना समय बर्बाद किए अपने टारगेट पर हमला कर दिया और दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। सेकेंड कैटेगरी क्लासेस 4 and 5। फर्स्ट मान्या, सेकेंड शगुफ्ता अंजुम, स्पेशल प्राइज इधर देखो, सर सर इधर बेटियां, लाडली बेटियां, एक आंखों के पास है और एक आंखों से दूर बेटा हीरा। नमस्कार, और रजौरी डे के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं सबको। मुझे पता नहीं था कि मुझे कुछ बोलना है, तो मैं कुछ तैयार करके नहीं आई थी, लेकिन आज का ये कार्यक्रम आप सब मानेंगे बहुत ही रोमांचक भी था और बहुत ही बढ़िया था। बच्चों ने जिस तरीके से इतनी गर्मी में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया इस चीज़ को,
और मैं स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और थैंक यू कहती हूँ फॉर पुटिंग अप सच अ वंडरफुल शो. थैंक यू सो मच, सो वेरी मच. इट वॉज अ वेरी नाइस थिंग दैट वॉज डन हियर. आई एम श्योर आप सब ने बहुत इंजॉय किया. और जो आमी ने यहाँ प्रदर्शन किया, चाहे वो गतका हो, चाहे वो क्विस्टेरियन हो, चाहे वो डॉग शो हो, उस पार एक्सीलेंस, इट वॉज वेरी वेल डन. एंड थैंक यू सो वेरी मच. एंड आई एम श्योर यू ऑल इन्जॉयड इट. और आप सबकी बिहाफ में मैं सबको फिर से थैंक यू बोलती हूँ और आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच.